हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिगर आपके सामने है और एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है टेंजेंट्स ए पी एंड ए क्यू आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। इफ़ ए पी इक्वल्स 5 सेंटीमीटर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, मतलब ये कि जो टेंजेंट है ए पी और ए क्यू, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब एंगल पी ए क्यू 90 डिग्री है। उसके बाद कहा गया है ए पी का लेंथ 5 सेंटीमीटर है। अब हम लोगों को रेडियस फाइंड करना है इस सर्कल का। तो फ्रेंड्स, टेंजेंट किसे कहते हैं? आप लोग को पता है कि टेंजेंट जो नाम है वो टेंजेरे लैटिन वर्ड से लिया गया है, और जिसका मतलब ये होता है टू टच, मतलब छूना। तो इसी से आप लोग समझ सकते हैं कि टेंजेंट किसे हम लोग कहते हैं। वैसा लाइन जो सर्किल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता हो, जैसे कि ए क्यू है, सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है, तो ये टेंजेंट हो गया। उसी तरह ए पी भी टेंजेंट है, ठीक है। तो टेंजेंट हमने जान लिया। अब एक और चीज़ अगर हम लोग जान लेंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसे कहते हैं? सर्कल है ना, और सर्कल और ये जो टेंजेंट है ए क्यू या ए पी, दोनों का कॉमन पॉइंट, सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट कहलाता है क्या? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे ये टेंजेंट ए क्यू है और ये सर्कल है, ये दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है? जिस पॉइंट पे ये मिल रहा है, यानी ये, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसी तरह ए पी और ये सर्कल, दोनों सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर मिलेगा, जो कि ये पॉइंट है, ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो दो बातें हमने जान लिया कि टेंजेंट किसे कहते हैं और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एंगल पी ए क्यू 90 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में। अब हम लोग ओ पी और ओ क्यू को ज्वाइन कर देंगे। तो ओ पी और ओ क्यू को ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन ओ पी एंड ओ क्यू। अब क्या हो गया? ओ पी ए क्यू एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। नाउ ओ पी ए क्यू इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब आपने क्लास 10 चैप्टर 10 सर्कल्स थ्योरम 10.1 पढ़ा होगा। उसमें कहा गया है कि द टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब ये कि कोई भी टेंजेंट सर्किल के जिस पॉइंट पर मिलता है तो उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो किसी भी पॉइंट पर अगर मिलता है तो ये टेंजेंट हुआ, और अगर टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है कोई भी रेडियस यहाँ आके मिले, ज्वाइन हो, तो ये रेडियस जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा इस टेंजेंट के। उसी तरह ये रेडियस जो होगा परपेंडिकुलर होगा इस टेंजेंट के, यानी ओ पी परपेंडिकुलर है ए पी के और ओ क्यू परपेंडिकुलर है ए क्यू के। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, है ना, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू इक्वल्स 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जोड़ 360 डिग्री होता है। एंगल ए गिवन था 90 डिग्री प्लस एंगल पी, ओ पी परपेंडिकुलर है ए पी के, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। एंगल ओ फाइंड करना है, और एंगल क्यू, ओ क्यू भी परपेंडिकुलर है ए क्यू के, इसीलिए ये भी 90 डिग्री इक्वल्स 360 डिग्री। 270 डिग्री प्लस एंगल ओ इक्वल्स 360 डिग्री, एंगल ओ इक्वल्स 360 माइनस 270
डिग्री इक्वल्स 90 डिग्री, तो ये भी हो गया 90 डिग्री का एंगल। अब देखिए कि इस क्वाड्रिलेटरल में यानी ओ पी ए क्यू जो क्वाड्रिलेटरल था उसमें सारा एंगल 90 90 90 90 का हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या हो जाएगा, ओ पी ए क्यू रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जिस क्वाड्रिलेटरल का सारा एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, रेक्टेंगल। और अगर इसका सारा साइड बराबर हो जाए एंगल के साथ साथ तो स्क्वायर होगा, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ एंगल सारा 90 डिग्री का हो जाएगा तो ये रेक्टेंगल होगा। तो अभी हम लोगों को साइड नहीं पता है इसलिए ये रेक्टेंगल हो गया, इसी से हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है, तो ए पी और ओ क्यू बराबर होगा, इसीलिए ए पी इक्वल्स ओ क्यू इक्वल्स 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है, तो ये 5 सेंटीमीटर था तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, और ओ क्यू 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू क्या है, रेडियस है सर्कल के लिए, तो सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर हो गया।